का काम क्या है? दिमाग जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के अफ़ाल को कंट्रोल करता है और सोचने समझने की अहलियत रखता है। इंसान शरूसल मखलूकात ब्रेन की वजह से है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ब्रेन की वजह से अशरफुल मखलूकात बनाया है, क्योंकि इसको सोचने समझने और पहचान की जो है वो सलाहियत रखी हुई है। नेक्स्ट आगे आ जाता है इसकी बीमारियाँ। सबसे पहले इसकी बीमारी है सोजश, तो टस लफज होता है सोजश के जमरे में, तो दूसरा लफज होता है इंफ्लामेशन। इंफ्लामेशन ऑफ सीफा सीफा ब्रेन एंड कैफा या इंसीफालाइटिस कैफालाइटिस। नेक्स्ट आ गया जाता है इसकी रसौली, ट्यूमर ऑफ ब्रेन सीफा या कैफा या इंसीफा। नेक्स्ट सरतान, कैंसर ऑफ ब्रेन इंसीफा कैफा। एंड नेक्स्ट आ गया जाता है नासूर इंसीफालोमा। नेक्स्ट आ गया जाता है दिमाग का दिमाग की नसों का पंक्चर हो जाना, सीवीएस सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। नेक्स्ट आगे दिमाग की नाली का फट कर खून जारी हो जाना, ब्रेन हैमरेज। नेक्स्ट आगे आ जाता है खून की दिमाग की नालियों में खून का क्लाट हो के तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शन या इन्फार्क्ट। नेक्स्ट ऑक्सीजन की कमी इस्कीमिया। नेक्स्ट आगे आ जाता है गिल्टी सिस्ट ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट आगे आ जाता है ब्रेन हेमरेज। नेक्स्ट आगे आ जाता है इसकी डायग्नोज, तो डायग्नोज में हम इसका सीटी स्कैन करते हैं, इसकी एमआरआई करते हैं। सीटी स्कैन कितने भागों में है? कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, यानी दो तरफ से दो एंगल से तस्वीर कशी की जाती है। जो एमआरआई है वो छह एंगल से तस्वीर कशी है। एम का मतलब है मैग्नेटो, आर का मतलब रेजोनेंस, छह एंगल से, और जो इमेजिंग यानी तस्वीर कशी, तो छह एंगल से तस्वीर कशी होती है। इसके अलावा इसका जो है बायोप्सी का लिया वो लिया जाता है सीएसएफ, यानी इसका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका जो है पानी लेके तो उसका ये बायोप्सी करवाई जाती है। तो सीएसएफ लेके बायोप्सी को हम देते हैं लाहौर, जिस तरह को ट्यूबरक्लोसिस ऑफ ब्रेन के लिए या कैंसर ऑफ ब्रेन के लिए। ये आपके ब्रेन के अहम टेस्ट हो गए। इसके अलावा और अगर कोई आपको मुश्किल हो तो आप जो है वो अपनी ऑनलाइन व्हाट्सएप पर सवाल पूछ सकते हैं।